टीम पंजाब टॉप न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का मैं चरणजीत कौर हार्दिक स्वागत करती हाँ। पी आर टी सी पनवस से पंजाब रोडवेज मुलाजमान वालों अज फिर एक बार बस स्टैंड विखे सरकारी बसों में 2 घंटिया बंद किया गया। मुलाजमान का कहना है कि उन्होंने तनखाह हर महीने लेट दिती जाती है जिस कारण उन्होंने 2 घंटे वास्ते सरकारी बसों को बंद करना पड़ा और जेकर अजे भी उन्होंने तनखा रिलीज ना की गई तो संघर्ष को होर तिखा किया जाएगा जिस कारण सवारियों खजल खुआरी का सामना करना पड़ा। बटाले लागो जाना बटाले लागे ही है परेशानी बड़ी यही है जी जाना बारिश पैर भी इन्हें ठीक नहीं कहीं जाना है सानू कोई पता ही नहीं चलो प्राइवेट ही मिल जाना। मैनू घंटा हो गया जी खलोते नूं अच्छा इस बारे कर्मचारियों ने 2 घंटे बंद है जी अजे पता नहीं 2 घंटे कदों होने 3 बजे होने के 4 बजे होने नहीं सानू पता जी। मेरा नाम चरण सिंह मेन मकसद जो अब 2 घंटे वास्ते अं बस स्टैंड बंद किया मेन मकसद तनखावों जो साढ़िया तनखावें उस हर महीने सानू अपना संघर्ष करके और तनखावें लेट पाई जा इस संबंध में अं 2 घंटे अब बस स्टैंड बंद किया जी। इस बारे अफसर जीएम साहब बिल्कुल जी साढ़े जीएम साहब भी ये गल कहें भी तनखाह ताड़ी समय सिर आनी चाहिए आ भी साढ़े वर्कर जो 12-12, 14-14 घंटे काम करते इन्नी गर्मी के काम करते तनखाह समय सिर मिलनी चाहिए आ साडे अफसरां दा भी साडे नाल सहमत आ भी इन्हां दी तनखाह समय सिर मिलनी चाहिए जो वर्कर काम करते हैं। ये वेखो जी मेन कारण की आ चलो सरकार ने एक नवा कदम चुकया सी बीबियां नूं फ्री किया जो फ्री करन दे चक्कर दे विच सरकार कोल बजट है नहीं गड्डियां दे विच स्पेयर पार्ट नहीं वर्कशापां दे विच आ रहा कोई डीजल दे 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपया देने वाला हो गया डीजल दे पैसे नहीं दिते जा रहे क्योंकि चलो सरकार ने जे ये अपना बीबियां का सफर फ्री किया पर सरकार नू बजट रखना चाहिए सी कोई सरकार नू पैसा देना चाहिए सी महकमे नू चलाउणा किदां इस बारे पहला पहलकदमी सरकार नू सोचना चाहिए सी। जिन्हें टोटल पंजाब के 27 डिपो के 70-80 लाख रुपया 2 घंटे बस स्टैंड बंद करना नुकसान होया जो सरकार ने वो जर लेना वा पर जिहड़ियां सानू तनखावां देणियां वो ओहदे बारे नहीं सोचा जाणा की कारण की है सरकार कि सत्ता तो आने तो पहले वड्डे वड्डे तुहाडे नाल वादे कीते सी जदों हुण सत्ता ते आ गई तां फिर तुहानू हर महीने अपनी कमाई लैण लई किहड़ा प्रोटेस्ट करना पै रिहा। बिल्कुल जी जदों सरकार आई सी इहने वड्डे वड्डे वादे कीते सी भी अहीं जदों साडी सरकार आऊगी ना उहदे विच आउटसोर्सिंग दे भर्ती कीती जाऊगी जिन्ने साडे आउटसोर्सिंग जां कॉन्ट्रैक्ट ते मुलाजमां सारिआं नूं पक्का कीता जाऊगा पर सरकार ने एक भी अब तक अपना वादा पूरा नहीं कीता गा जो कीता भी आ वो टीवियां चैनलों ते जां अपने पोस्टर वड्डे वड्डे ला के उत्थे वादे पूरे कीते होर कोई नहीं कीता जी।